हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे EC5 स्पिंडल में जो ड्रम ड्राइव कार्ड लगा होता है वह पावर इंडिकेशन नहीं दिखा रहा है, यह प्रॉब्लम देखेंगे। वैसे तो ये प्रॉब्लम IC या और कुछ पार्ट जाने की वजह से भी पावर इंडिकेशन नहीं दिखाता है, पर मेरे पास जो अभी ड्रम ड्राइव कार्ड है उसको जो प्रॉब्लम है, ये जो दो कॉइल रहती है इसमें से एक कॉइल ओपन होती है तो भी पावर का इंडिकेशन नहीं आता है। अभी हम चेक करेंगे, ये देखो कॉइल दिखा नहीं रही है, ओपन दिखा रहा है, कोई कंटिन्यूटी नहीं आ रही है, और दूसरी जो कॉइल है उसकी कंटिन्यूटी आ रही है, इसलिए एक कॉइल ओके है और एक ओपन है। फिर ये ओपन वाली जो कॉइल है इसको बदलने से आपके कार्ड में पावर इंडिकेशन आ जाएगा। ये कॉइल आपके पास अगर दूसरी है तो वह डाल दे, नहीं तो फिर इसको वाइंडिंग निकाल के वापस वाइंडिंग करके इसको भी डाल सकते हैं। ये देखो इसका एक वाइंडिंग का सिरा ओपन है, इसलिए यह कंटिन्यूटी नहीं दिखाती है, इसलिए हम दूसरी कॉइल लेंगे और वह कॉइल इसमें डालेंगे। बस चालू करेंगे। कहीं नहीं, बाकी सब लिख रहे तो काम आता था कहीं। अभी हमने कॉइल बदल दी है और कंटिन्यूटी चेक कर लेंगे। अभी कंटिन्यूटी दिखा रहा है इसलिए पावर आ जाएगा। वीडियो देख के अगर आपको कुछ फ़ायदा हुआ तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो। अभी हम इसको पावर देंगे और देखिए अभी पावर देने के बाद में इंडिकेशन आ जाएगा। मन लगाओ, ये देखिए इंडिकेशन आ गया है। शुक्रिया। ओके।